इसराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद यमन के हूती ने पूरी दुनिया को अपनी जो ताकत दिखाई है उसका किसी को अंदाजा तक नहीं था, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका उसके ड्रोन्स की है जिन्होंने इसराइल के भीतर तक कई बड़े हमले किए हैं। दरअसल 19 जुलाई 2024 को तेल अवीव के भीतर एक अपार्टमेंट पर ड्रोन हमला हुआ था। ये ड्रोन करीब 16 घंटे का सफर करके और 2600 किलोमीटर की दूरी नाप कर तेल अवीव में घुसा था। यहां तक इस ड्रोन ने इसराइल के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया था, और इस हमले के बाद से अमेरिका और इसराइल के होश उड़ गए थे कि हूती के पास इतने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ड्रोन हैं जो बेहद ही ताकतवर हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि हालिया वर्षों में हूती की ड्रोन ताकत चौगुना बढ़ी है, क्योंकि इसके पीछे सीधा ईरान का हाथ है। ईरान ने हूती को ड्रोन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है, और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हूती बेहद ही घातक ड्रोन बना रहा है। हूती ने साल 2018 में बड़े पैमाने पर ड्रोन प्रोडक्शन शुरू किया था, और इसका नतीजा ये निकला कि सऊदी अरब और UAE को अप्रैल 2022 में उसके साथ युद्ध विराम करना पड़ा। इसके बाद नवंबर 2023 से ही हूती ने लाल सागर में अपने ड्रोन्स के दम पर चक्का जाम कर रखा है, और ड्रोन वॉरफेयर रणनीति के दम पर ही हूती आज मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब और UAE को आंखें दिखा रहा है। हूती ने सबसे पहले ड्रोन्स के दम पर यमन के भीतर अपने पैर जमाए। उसने अप्रैल और जून 2018 में UAE की अगुवाई वाले गुट को पश्चिमी तट पर पटखनी दी थी। इस दौरान हूती ने अप्रैल 2018 में पहली बार यमन के भीतर UAE के कमांड सेंट और AI, हुदायदा और ताइज प्रांतों पर ड्रोन हमला किया था। हूती ने इन हमलों में ईरान में बने कासिफ ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसने UAE के समर्थन वाली फोर्स को धूल चटा दी थी। इसके बाद ड्रोन के दम पर ही हूती ने यमन के भीतर मारे प्रांत पर कब्जा करने की कोशिश की। यहां पर हूती ने लंबी दूरी से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के ठिकानों पर कई ड्रोन अटैक किए, हालांकि उसके ये हमले अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए थे। इसी दौरान 2018 और 2022 के बीच ड्रोन वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हुए हूती ने सऊदी अरब और UAE के अहम ठिकानों पर ड्रोन अटैक किए। हूती ने सऊदी अरब में ज्यादातर नागरिक हवाई अड्डों को निशाना बनाया। वहीं 22 जुलाई 2018 में हूती ने सऊदी की अरामको ऑयल फैसिलिटी पर एक बहुत बड़ा ड्रोन हमला किया। इसके बाद 26 जुलाई 2019 को हूती ने अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी एक ड्रोन अटैक किया था, और इस दौरान हूती के सऊदी अरब पर ड्रोन हमले 7 गुना तक बढ़ चुके थे। बड़ी बात यह है कि हूती ने ये अधिकतर हमले कासिफ 2 के ड्रोन से किए थे, और ये हैरान करने वाली बात है कि सऊदी और UAE के लिए इस ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर पाना बेहद ही मुश्किल था। हालांकि इसके बाद 2021 में हूती ने मल्टी यूज वाले ड्रोन्स का इस्तेमाल बढ़ा दिया। ये ड्रोन कैश और विस्फोट के लिए बनाए गए थे, या फिर ये हवा में उड़ते उड़ते ही मिसाइल या विस्फोटक टारगेट पर गिरा सकते थे, और विस्फोट गिराने के बाद ये ड्रोन वापस अपने ठिकाने पर लौट आया करते थे। इसके लिए हूती ने सम्मत 4 और रुजूम मल्टी यूज ड्रोन का इस्तेमाल किया था। हूती ने मार्च 2021 में इन ड्रोन्स को जंग के मैदान में उतारा था। ये दोनों ही ड्रोन चीन में बने हेक्साकॉप्टर ड्रोन का एक कॉपी वर्जन थे। इसके अलावा हूती ने कासिफ 2 के ड्रोन का भी इस्तेमाल शुरू किया, जिससे मिसाइलें तक फायर की जा सकती थी। उन्नीस में हूती ने इस ड्रोन के जरिए यमन की सरकार के इंटेलिजेंस अधिकारियों के ऊपर हमले किए, और यहीं से हूती ने मिलिट्री कैंपों पर भी अटैक शुरू कर दिया। ये हमले 2019 और 2021 के बीच हुए थे, जिसमें यमन के सीनियर कमांडर अबू अल यमाना की जान चली गई थी। इसके अलावा यमन के भीतर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार को कुचलने के लिए भी हूती ने इन्हीं ड्रोन्स का सहारा लिया। हूती ने उन तेल कंपनियों के ठिकानों पर ड्रोन हमले किए जो यमन की सरकार से जुड़ी हुई थी, और इन हमलों की वजह से यमन की सरकार की तेल निर्यात से होने वाली कमाई पूरी तरह से ठप हो गई। इसके बदले में हूती ने कहा कि सरकार उसके कब्जे वाले इलाकों में सभी कर्मचारियों को वेतन दे और गैस निर्यात से होने वाली कमाई भी उसके साथ साझा करे, तभी वो UN की मध्यस्थता वाले युद्ध विराम समझौते को मानेगा। लेकिन सरकार और हूती के बीच बात नहीं बनी, और इसके बाद हूती ने यमन से हाइड्रोकार्बन निर्यात पर भी बैन लगा दिया, और जो भी जहाज या टैंकर गैस लेकर बाहर जाता हूती उसके ऊपर ड्रोन हमले कर देता था। साल 2022 के 10 महीनों में हूती ने यमन की सरकार के हाइड्रोकार्बन निर्यात को पूरी तरह से ठप कर दिया, जिससे सरकार को करीब $1 अरब का नुकसान हुआ।